वेलकम बैक। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज बातचीत करने वाला हूँ आपसे टिक डिसऑर्डर के बारे में। टिक्स ये क्या होता है कि इसमें बॉडी की मूवमेंट्स होती रहती है, अचानक एकदम जोर जोर से या बहुत, मतलब बहुत जोर से भी नहीं मगर एकदम साइलेंटली भी होती रहती है, मगर रिपीटेटिव होती रहती है, बार बार होती है। वो बदन की होंगी, बॉडी की होंगी, हाथ की होंगी, या ये आईब्रोज है ये ऐसे उड़ेंगे ऊपर, या जो माथा है ये ऊपर ऐसे ऐसे उड़ाएंगे, या आंखें मिचकाएंगे बार 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 बार, या फिर ऐसे मान को झटका देंगे, गर्दन को झटका देंगे, ऐसा ऊपर नीचे झटके करेंगे, कंधे को झटका देंगे, ऐसे बार 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 ऐसा चालू रहेगा। कुछ लोगों को मुँह से आवाज़ निकालने की रहती, टिक मुँह से हूँ ऐसा कुछ तभी आवाज़ निकालेंगे वो बोलने के समय। और ये जो बीमारी है कि बार 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 रिपीटेटिव परसिस्टेंट कंप्लेंट ऐसी रहती है लोगों की, और हिलाने की, बॉडी हिलाने की, आंखें मिचकाने की, या फिर ऐसा ऐसा कुछ तो भी करना, मतलब कुछ तो भी चालू रहता है उनका, तो वो टिक डिसऑर्डर है। 18 साल के नीचे इसकी शुरुआत होती है, और इसमें उनके काम में डिस्टर्बेंस होता है, सोशल रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो जाता है, काम ठीक से नहीं कर पाते, खुद डिस्टर्ब रहते हैं। और इसका मतलब क्राइटेरिया ये है कि बाकी कोई बीमारी इसके साथ में नहीं होना चाहिए टिक डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए। बाकी कोई बीमारी मतलब कौन सी, कि इसके साथ साथ मायोक्लोनस नाम की जो फिट रहती है, मायोक्लोनस जो ब्रेन की बीमारी है, फिट जैसी एपिले, वो मायोक्लोनिक सीजर्स नहीं होना चाहिए, फिट नहीं होना चाहिए, कोरिया नहीं होना चाहिए, सीजर डिसऑर्डर को भी नहीं होना चाहिए, डिस्टोनिया नहीं होना चाहिए, मैनरिज्म्स नहीं होना चाहिए, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, मतलब ये बीमारी नहीं होना चाहिए। ये बीमारी यदि होंगी तो फिर ये टिक डिसऑर्डर नहीं है। टिक डिसऑर्डर तभी हो जाती है जब बाकी कोई डिसऑर्डर नहीं, और तभी भी बार 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 दिन में अनेक बार ऐसे मूवमेंट्स होती रहती है बॉडी की। हाँ, इसके साथ साथ ADHD होते रहता है। 50-60% लोगों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होती रहती दिखाई देती है, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 30-70% लोगों में दिखाई देती है। तो OCD साथ साथ दिखाई देंगी, ADHD दिखाई दे सकती है, मगर बाकी कोई बीमारी नहीं होना। बाकी यदि कोई बीमारी रहती है ब्रेन की, तो फिर वो टिक सिंपल टिक डिसऑर्डर नहीं है, वो फिर अलग कोई तभी है। ये टिक डिसऑर्डर के लिए, मतलब जब ऐसे हमको दिखाई देता है कि बार 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 आंखें क्यों मिचकाता है, मतलब बहुत लोग ऐसा 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 आंखें मिचकाते बार, या ऐसे ऊपर जो आईब्रो ऐसे ऊपर उड़ाएंगे, या माथे के ऊपर ऐसा 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 करेंगे, है ना, या फिर ऐसे जो एंगल ऑफ माउथ जो है ये, या ऐसा ऐसा करके बातचीत करेंगे, या गर्दन ऐसे हिलाएंगे, ऐसा कुछ तो भी चालू रहता है उनका बीच बीच में, और वो बार 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 करना चालू कर देंगे। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि पहले लोगों को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना पड़ता कि रिलैक्स कैसे होना चाहिए। तो हम इनको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं उनको रिलैक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं, हाइपर एक्टिविटी इनमें रहती है, जैसा मैंने बताया 50-60% लोगों को हो सकता है कि है, तो इनको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा यदि होता होगा और डिस्टर्ब करता होगा तो दवाइयाँ कुछ मात्रा में दे सकते हैं, जिसमें हेलोपेरिडॉल है, फ्लूफेनाजिन है, ऐसी कुछ दवाई उनको दे दिया एकदम कम डोज में, तो ये टिक्स कम हो जाती है, कम हो सकती है। फिर इसके साथ साथ यदि OCD साथ में है तो फिर फ्लॉक्सिटिन, क्लोमिप्रामिन जैसी दवाइयाँ भी काम करती है। मेन थिंग फैमिली का ये सपोर्ट, फिर काउंसिलिंग, वो पेशेंट की काउंसिलिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक, सेल्फ हिप्नोसिस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बाकी कोई भी डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए, बाकी कोई डायग्नोसिस है तो फिर वो बीमारी है, टिक नहीं है। सो ये यदि ऐसा हमको काफ़ी लोगों को दिखाई देता है, ये उनका इलाज हो सक मतलब हम कर सकते हैं और वो अच्छा हो सकता है। आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।